गाँव में ना गेड़ी मारने का भाई सीन ही अलग है यार, मजा आ जाता है। RX हो और भाई गांव के सड़कें रोड्स हो ये। और देखो भाई आप तो भाई हुक्का वगैरह पी के भाई छल्ले बनाते हो ना, ये बिना हुक्का पिए वगैरह छल्ले बनाते हैं। देखो छल्ले दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये देखो, ये अगर मैं एक किक मारूंगा ना तो एक किक में स्टार्ट हो जाएगी ये, दिखाऊं आपको। देखो न्यूट्रल है स्टार्ट, ये मजा है भाई अगर आपके पास RX है ना। तो ये है अपनी RX 135 का इंजन, पूरा खोल दिया हमने। और ये खोलना क्यों है, जिसमें आवाज़ आ रही थी इसकी कनेक्टिंग रॉड की, क्रैंक और पिस्टन को कनेक्ट करता है वो कनेक्टिंग रॉड, उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए वो चेंज हो गया अब। तो भाई ये देखो तीन चीज़ें मेरे सामने रखी हुई हैं। इसमें भाई जो एक अनोइंग सा साउंड आ रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, जो मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया कि मेरी RX में एक अनोइंग सा साउंड आता है, मतलब आपके RX में भी आता हो अगर आपके पास RX है, वो साउंड जो होता है वो होता है इसका भाई, वो क्रैंक जो आपकी घूमती है ना इसमें भाई देखो प्ले होती है इस टाइप से ना, ये जो आपकी जो ये है अब तो इसमें नहीं है, ये ठीक हो चुकी है, ये मतलब हो चुका है इसका काम। वैसे ये न्यू डलती है जो कनेक्टिंग रॉड है इसमें प्ले होती है, तो भाई ये प्ले होने के कारण भाई आपके पिस्टन में भी प्ले हो जाती है, ठीक है। पुराना वाला पिस्टन दिखाइयो, पुराना वाला पिस्टन दे, ये इसका पुराना वाला पिस्टन, तो ये इसका पुराना वाला पिस्टन और ये है अभी जो डलने वाला है। तो गाइस ये हो रही है इसकी कटिंग अभी फ़िलहाल, ये अपना हेड सिलेंडर है। तो भाई ये देखो ये होती है सिलेंडर, जो स्लिप बोलते हैं ना जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, ये चीज़ होती है वो। तो ये न्यू डलती है अगर आपकी स्लिप ख़राब हो जाती है या फिर उसमें मतलब लास्ट बोर होता है तो ये चीज़ डलती है। तो ये देख लो भाई अगर आपने नहीं देखी है तो, ये वैसे पल्सर की है मतलब RX की नहीं, RX की इससे बड़ी होती है, मोटी होती है। तो भाई लोग ये है अभी जो अपना बोर होके आया है, ये सिलेंडर है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। एंड ये पिस्टन है इसका, ये ओल्ड वाला पिस्टन है जो साउंड बना रहा था। तो अभी दिखाता हूँ आपको ये चीज़, ये ओल्ड वाला पिस्टन है, इसको यहाँ रखता हूँ। एंड ये है न्यू वाला पिस्टन, ठीक है, इसमें रिंग्स वगैरह भी लगा रखे हैं। तो भाई ये देखो बोर हुआ है ये, और ये ना ओरिजिनल पिस्टन है इसका, ये लास्ट है। तो मतलब अब ना अगर अब आगे कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर ना इसकी स्लिप चेंज होगी, ये पूरा चेंज होगा, फिर पिस्टन चेंज नहीं होगा, फिर ये ही चेंज होगा, फिर स्टार्टिंग से फिर छोटा वाला पिस्टन लगेगा इसमें। तो अब ये लास्ट चल रहा है इसका, ठीक है, ये ओल्ड वाला पिस्टन है जो साउंड बना रहा था। देखो अब मैं इसको इसके सिलेंडर में डालता हूँ जो भी बोर होके आया, देखा ये देखो पूरा अंदर चला गया, ये अब बेकार है। तो ये बिल्कुल बेकार पिस्टन है, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। ये है इसका न्यू वाला पिस्टन, वैसे इसको मैं अभी लगा नहीं सकता, ये देखो इसमें रिंग्स लगा दिए। तो देखो ये अभी ऊपर से रख के दिखा देता हूँ, ये देखो ये अंदर नहीं जा रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, ये थोड़ा इसमें मतलब बिल्कुल फिक्स है, तो ऐसे होता है बोर। तो भाई यहाँ तक काम हो चुका है अपना फाइनल, दिखा नहीं पाया मैं क्योंकि देखो अभी यहाँ बोल्ट्स भी नहीं लगे हैं, और ये अपना न्यू पिस्टन इसमें अंदर जा चुका है, ये 2 mm दिख रहा है आपको, ये न्यू वाला पिस्टन है। तो अभी इसको इसमें कसते हैं और करते हैं भाई। तो भाई अपनी RX मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और अभी इसमें एक छोटा सा परफॉर्मेंस अपग्रेड कर रहे हैं छोटा सा, ये मॉड्यूल का ऑयल डालेंगे, ये 10W30 है, ये 2-stroke के लिए ठीक है मेरे हिसाब से। तो भाइयों अपनी यामा स्टार्ट हो चुकी है, बहुत टाइम लगा इसको स्टार्ट करने में, फाइनली हो गई, इसमें कुछ नहीं करा, बस किक ज़्यादा ली है इसने स्टार्ट होने में। तो बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स दे रही है अब, अगर जैसे थ्रॉटल मारा है हमने तो अभी इसको थोड़ी देर स्टार्ट रहने देंगे क्योंकि न्यू पिस्टन डाला है, तो फिर थोड़े बाद देखते हैं इसको चला बना के। तो भाई व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से, और ये खड़ी अपनी RX एंड लाइट जलाता हूँ। तो देखो बिल्कुल अभी बिल्कुल कोल्ड हुई पड़ी होगी भाई, और इतना बताता हूँ 2 किक में स्टार्ट हो जाएगी। देखो बैटरी ठीक है,
तो उसको बाहर निकालते हैं और चलते हैं एक राइड पे। और भाई इधर बहुत ठंड है, तो आपके भाई ने ये डाल रखी है आज। चलो तो भाई ये अपनी स्प्लेंडर है। एंड शिट भाई, यहाँ से कैसे निकालो इसे, निकल गई। ये अपनी आरएस खड़ी हुई है, इस पर बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं आया है, तो इस पर भी आ जाएगा। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा किक नहीं लेगी, बस दो किक लेगी और स्टार्ट हो जाएगी। पहले थोड़ा देखो इसमें तेल पहुँचाना पड़ता है, अगर इसको दो किक में ही स्टार्ट करना है। तेल मैंने ऑन कर दिया इसका पेट्रोल, तो अब इसको करना कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऐसे करो, इसका चौक खोलो, थोड़ा सा थ्रॉटल ऐसे करो ताकि अंदर तक ऑयल पहुँचे और जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो अभी स्टार्ट हो जाएगी। चलो भाई किक मारता हूँ मैं। तो भाई स्टार्ट हो चुके हैं, दो दिन के क्लियर पर स्टार्ट हो गई है। तो अभी थोड़ी देर चौक मेरे को दबा के रखना पड़ेगा ताकि स्टार्ट ही रहे। और अभी बात करते हैं भाई इसी के बारे में आगे चल के। स्मोक देखो, स्मोक भाई हो गई ना, ज़्यादा नहीं बस दो या तीन किक लेती है भाई, स्टार्ट हो जाती है। और इसका आप जो प्रॉब्लम था ना इसमें, वो सही हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन हो चुकी है अभी। और अब ये 135 से 140 सीसी हो चुकी है। बोर बढ़ गया है ना इसका, तो न्यू पिस्टन डाला है एंड बोर करवाई है। जो इसका सिलेंडर किट होता है ना, वो बोर करवाई है। अब मतलब गांव में ना गेड़ी मारने का भाई सीन ही अलग है यार, मज़ा आ जाता है। RX हो और भाई गांव के सड़कें रोड्स हों, ये तो भाई मज़ा ही आ जाता है अलग ही। तो आपको बताऊँ, इसका जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब इसमें आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और बस सिर्फ साइलेंसर और इंजन की ही आवाज़ है। तो यही चाहिए था मेरे को। और बाइक में पावर भी आ गया है, मतलब पावर बढ़ गया है थोड़ा, इसका पावर ज़्यादा जनरेट करेगा इसका इंजन। तो और अपने चैनल पे ना मतलब थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना भी नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी करूँगा ट्राई मैं। अपने चैनल पे कुछ अच्छा बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा आने वाला है। तो उसके लिए भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, और मैं ऐसा कंटेंट आपको बना के दूंगा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा किसी और चैनल पे, ऐसा कंटेंट मैं आपको बना के दूंगा। और राइड्स मारूंगा भाई जहाँ की भी अपनी YouTube फैमिली होगी ना, सबसे मिलने आऊँगा मैं, सबसे मिलने आऊँगा। तो अभी RX पे मज़े करते हैं थोड़े से। इसको ना मेरे को रोज़ राइड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो पिस्टन है ना वो थोड़ा थोड़ा अभी फंस रहा है सिलेंडर में, तो उसको थोड़ा सा मतलब सही होने में, जो वो फ्री चले थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा राइड करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। अब ना इसको चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि वाइब्रेशंस ख़त्म हो गई हैं बाइक की। और मतलब वाइब्रेशंस हैं बट, लेकिन उस टाइम पे इतनी नहीं थी जितनी उस क्रैंक में जो प्ले थी ना वो जनरेट कर दी थी वाइब्रेशन ज़्यादा, तो उतनी वाइब्रेशंस नहीं है अब। मज़ा आ रहा है चलाने में। और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है यार इधर, अगर आपको टेम्परेचर बताऊँ ना इधर का, तो 10 या 11 के लगभग होगा इधर, मतलब 10 या 11 डिग्री सेल्सियस जो भी बोलते हैं भाई टेम्परेचर की भाषा में। तो भाई राइड करने का मज़ा ही अलग है, राइड करने का मज़ा ही अलग है गाँव में भाई। और RX हो ना आपके नीचे तो भाई तगड़े वाले रिएक्शंस मिलते हैं। और भाई जल्दी अपने चैनल पे RX का रिएक्शन वाला वीडियो भी आएगा अपने चैनल पे,
तो स्टे ट्यून्ड। मेरे ना हाथ ठंडे हो गए भाई, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए भाई हाथ। ग्लव्स यार मैं पहन के चलाता नहीं हूँ यार, मतलब अगर कोई कभी लॉन्ग राइड मारूंगा ना तो जब ग्लव्स का देखा जाएगा, क्योंकि यार मेरे से चलती नहीं है उनको पहन के, है सेफ्टी पर्पस के लिए बट लेकिन थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, टेन पैर के चलाएंगे फिर। तो भाई कैसा लग रहा है आपको वीडियो? वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं बट RX को देख लिया ना भाई, यही बहुत कुछ है मेरे लिए तो। और ये अपनी अच्छी कंडीशन में आ चुकी है, जैसे आती थी पहले, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसको थोड़ा सा सही होने देते हैं, मतलब चला चला के थोड़ा सा इसको बोलते हैं ना वो, मतलब जो इसको जब इसका मतलब इंजन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना, फिर ड्रैग रेसेस मारेंगे, फिर ये बाइक्स को हराएगी जैसे पहले खा जाती थी ना बाइक्स को, स्कूटर्स को, बाइक्स को, तो ये पहले की तरह बाइक्स को खाएगी भाई। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस या फिर एक्सरसाइज कह सकते हो, एक्सरसाइज करवाने लेके आया हुआ है भाई। साउंड बहुत तगड़ा कर रही है सच्ची में, साउंड बहुत तगड़ा करती भी है ये पहले से ही। चलो भाई थोड़ी देर अपने खेतों के पास रुकते हैं एंड चलते हैं फिर यहाँ से। ये देखो भाई यहाँ पे सरसों के खेत हैं, जहाँ पे शाहरुख खान ने पोज मारा था वही जगह ही है, यहीं पे रुकता हूँ। वैसे ही अपने नहीं है किसी और के। तो भाई एक बार लुक देखोगे बाइक का, भाई बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए भाई हाथ, ये देखो बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो गए। तो भाई ये है कुछ अपनी RX का लुक, देखो भाई साइलेंसर में से कैसे स्मोक आ रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा स्मोक आ रहा है, मतलब ये ना बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। अब देखो ये थोड़ी हीट भी हो चुकी है ना, तो अगर मैं एक किक मारूंगा ना तो एक किक में स्टार्ट हो जाएगी ये, दिखाऊं आपको? ये देखो दिखाता हूँ, ये भाई ये ना ये मैंने भाई खेसी डाल रखी है ताकि ठंड ना लगे, अपने गाँव में ये ऐसे ही होता है। देखो न्यूट्रल है, स्टार्ट, ये मजा है भाई। अगर आपके पास RX है ना, बस गांव का माहौल हो और RX हो भाई, क्या ही चाहिए आपको, बस राइड मारो और भाई टोरा जमाओ अपना। RX का तो मतलब यही है। भाई देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है बाइक, एक तो बाइक होती है मतलब बहुत ज़्यादा एजाइल, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी, बट लेकिन इस बाइक में ना हाँ फील आता है कि भाई आप 90s में पहुँच गए हो, सच्ची में इस बाइक को देखते ही ये फील आता है। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक की लिस्ट में ना भाई नंबर वन पे है ये, और नंबर वन पे ही रहेगी, बाकी कितनी भी बाइक्स आ जाए बाकी ये तो रहेगी भाई। RX तो RX ही है, ये कुछ ऐसा लुक है इसका। तो वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग देखते हो तो हो नहीं पूरा, स्किप कर करके देखते हो। अरे भाई अरे अच्छा मना कर रहा है, यहाँ से मत जा, एक मिनट निकाल देता हूँ। हाँ तो भाई चलो वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड मिलता हूँ मैं आपको फिर एक और ऐसे अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और ज़रूर कमेंट करना आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए अपनी RX का, ठीक है, ज़रूर आपको देखने को मिलेगा वीडियो। और ये भी ज़रूर बताना मैं छपरी कंटेंट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ये जो रिएक्शन वाला वीडियो होता है, वैसे मैं ये सब करता नहीं हूँ बट लेकिन आप लोगों के लिए ये भी कर लूँगा, कमेंट करके बताना कि बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम लिख देना भाई। चलो और देखो भाई आप तो भाई हुक्का वगैरह पी के भाई छल्ले बनाते हो ना, ये बिना हुक्का पिए वगैरह छल्ले बनाते हैं, देखो छल्ले दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये देखो ये वैसे ही छल्ले बनाती है।